से एक सवाल है, यही थी तुम्हारी तैयारी? यही थी तैयारी? हाँ, एक महीने का टाइम मिला था सबको बल्लेबाजी करने का, आराम करने का, वो जो नेट प्रैक्टिस हो रहा था जिसके वीडियो सामने आ रहे थे, यही थी तुम्हारी तैयारी? एक शाहिनशाह अफरीदी नहीं खेला जा रहा है हमारे सो कॉल्ड सबसे बड़े बल्लेबाजों के? हाँ, रोहित शर्मा के पैर चिथड़ हो गए थे उधर, विराट कोहली से भी वही हुआ, आज क्लीन बोल्ड हुआ है। अब ये पाकिस्तानी अगले 10 साल तक जो है ना वही एडिट्स चलाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपके मेन प्लेयर हमारे शाहिनशाह अफरीदी, ये जो 22-23 साल का लौंडा है, उसको नहीं खेल पा रहे हो भाई। इससे अच्छा होता कि भाई पाकिस्तान को बायकॉट कर दिए होते, खेलते नहीं उसी के साथ, कम से कम बेइज्जती तो कम होती। मजाक बना रखा है वो श्रेयस अय्यर, कंधा तोड़वा के आया हुआ था फिर वापस आया है, दो चौके लगाए, इनको लगा हर बॉल पे मार ही देंगे, गया हरी सराफ के हाथों। 10 ओवर के भीतर में 3 विकेट हम लोगों ने गवा दिए हैं और पाकिस्तानी गेंदबाज चढ़ के खेल रहे हैं आप पे, और आप क्या कर रहे हो? सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। आप सभी को खुशामदीद, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त एशिया कप का मैच जारी है और 2 बार इस मैच को बारिश की वजह से रुका गया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह से डोमिनेंसी दिखाई है ना जनाब, जिस तरह से चढ़कर उन्होंने खेला है, एक के बाद एक विकेट गिर गई थी, रोहित शर्मा जो उनके कैप्टन है, फिर विराट कोहली है, फिर एक और बैट्समैन है जो कि शाहीन शाह आफरीदी के सामने टिक कर खेल ही नहीं सके। अब ये मैच दोबारा शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे ये विकेटें गिर रही थी उसी तरीके से भारतीय मीडिया के अंदर कुछ कार्टून्स बैठे हुए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद माई इंडियन फैंस, नो डाउट कि मैं अपने इंडियन फैंस को बहुत प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, अक्सर मुझे मैसेजेस कर होते हैं, लेकिन जनाब इंडियन मीडिया ने कुछ कार्टून भर्ती किए हैं और वो कार्टून जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है ना तो बिना सर पैर की बातें करते हैं, बिना मतलब कोई बात ही नहीं होगी और वो लेकर आएंगे और सोचा छोड़ देंगे। पाकिस्तान और नेपाल का मैच था, कमऑन नेपाल लेके बैठ गए और उसके बाद जो वो कार्टून नेटवर्क खोल के बैठते हैं ना, यकीन करें देखने में भी मजा नहीं आता। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जब एक के बाद एक विकेट गिरी है, अभी मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाता हूं, बड़े दिलचस्प किस्म के मनाजिर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच हो, नो डाउट जो बेहतर खेले वो जीते। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए ना भाई, जो खेल रहा है अच्छा उसको जीतना चाहिए, वो जीत का हकदार है। लेकिन कुछ लोग हार को तस्लीम करते हैं और कुछ जीत को बर्दाश्त कर लेते हैं। भारतीय मीडिया के अंदर हार को बर्दाश्त करने का जो मादा होता है ना, वो उनके अंदर है ही नहीं, और उसके बाद वो इस तरह की बातें करते हैं। आप जरा ये सुनिए जो मैं आपको क्लिप दिखाने जा रहा हूं, ये बड़ा दिलचस्प क्लिप है, इसको जरा सुने आप, देखें आपको मजा आएगा। एक सवाल है, यही थी तुम्हारी तैयारी? यही थी तैयारी? एक महीने का टाइम मिला था सबको बल्लेबाजी करने का, आराम करने का, वो जो नेट प्रैक्टिस हो रहा था जिसके वीडियो सामने आ रहे थे, यही थी तुम्हारी तैयारी? एक शाहिनशाह अफरीदी नहीं खेला जा रहा है हमारे सो कॉल्ड सबसे बड़े बल्लेबाजों के? रोहित शर्मा के पैर चिथड़ हुए थे उधर, विराट कोहली से भी वही हुआ, आज क्लीन बोल्ड हुआ है। अब ये पाकिस्तानी अगले 10 साल तक जो है ना वही एडिट्स चलाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपके मेन प्लेयर हमारे शाहिनशाह अफरीदी, ये जो 22-23 साल का लौंडा है, उसको नहीं खेल पा रहे हो भाई। इससे अच्छा होता कि भाई पाकिस्तान को बायकॉट कर दिए होते, खेलते नहीं उसी के साथ, कम से कम बेइज्जती तो कम होती। मजाक बना रखा है वो श्रेयस अय्यर, कंधा तोड़वा के आया हुआ था फिर वापस आया है, दो चौके लगाए, इनको लगा हर बॉल पे मार ही देंगे, गया हरी सराफ के हाथों। 10 ओवर के भीतर में 3 विकेट हम लोगों ने गवा दिए हैं और पाकिस्तानी गेंदबाज चढ़ के खेल रहे हैं आप पे, और आप क्या कर रहे हो? सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। अभी हमारे भारतीय भाई हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा ना कि इंडियन मीडिया के अंदर कुछ ऐसे कार्टून बैठे हुए हैं जो इस तरह की बैठ के बेसरो पैर की बातें कर रहे होते हैं। भाई उनकी टीम अच्छी टीम है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहित शर्मा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मैं विराट कोहली का दिल से फैन हूं, नो डाउट। उनके जो कवर ड्राइव होते हैं, उनकी जो इनिंग्स होती हैं, जो उन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में इनिंग खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के जबड़ों से फतह निकाल ली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आता कि एक मैच की बुनियाद पर वो लोग अपने खिलाड़ी, दूसरे ममालिक के खिलाड़ी की तजलील ऐसे कर रहे होते हैं जैसे तुम्हारे बाप के नौकर हैं।
मतलब इनके बाप के नौकर हैं कि भाई इन्हीं के लिए खेलेंगे। हो सकता है भाई पिच मुस्तकिल चेंज हो रही है, पाकिस्तानी बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अभी भी मैच शुरू हुआ है, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अब आपको शायद अंदाजा होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ अपने इंडियन फैंस के साथ, आपको अंदाजा होगा कि जो कार्टून बिठाए जाते हैं ना आप लोगों ने अपने टीवी चैनल्स पर या वेब चैनल्स पर, वो बैठ के जिस तरह का कार्टून नेटवर्क वहां पे लगाते हैं, यकीन करें बच्चे भी उनकी बात को सीरियस ना लें, बच्चे भी उनकी बात पर हंस लेंगे। विक्रांत गुप्ता नो डाउट, मैं उनका ऑनेस्टली बड़ा फैन हूं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गैर जानबदार जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानबदारी नजर नहीं आती। वो भारत के मैच को भी बहुत इंजॉय करते हैं, पाकिस्तान के मैच को भी उसी तरीके से इंजॉय करते हैं, पाकिस्तान की सलाहियतों के मोतरफ वो है। वो इन बच्चों को ये गली में, जिनको कोई काम नहीं मिलता ना गली में मोहल्ले में, टायर के साथ यूं वो खेल रहे होते हैं, लकड़ी से टायर चला रहे होते हैं, ये उनको बिठाया जाता ना, उनको जवाब दे रहे होते हैं और ऐसे ऐसे जवाब दे रहे होते हैं कि यकीन करें दिल खुश हो जाता है देख के। विक्रांत गुप्ता जैसा वाकई में जर्नलिस्ट होना चाहिए और मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ उस मामले के अंदर। वो ये मजाक मजूक की बातें अपनी जगह पे, लेकिन जिसकी जो सलाहियत होती है ना उसके वो तारीफ ज़रूर करते हैं, वो पाकिस्तानी बॉलर्स की हमेशा से तारीफ करते हैं, वो शादाब खान की बहुत तारीफ करते हैं। अभी ये मैच चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, T20 तो है नहीं कि भाई 20 ओवर के अंदर ही डिसाइड हो जाएगा क्या कुछ होगा, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे जाएगा ना इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, मजा आएगा देखने में, इंजॉय करने में। लेकिन मुझे आज भारतीय मीडिया, अभी तक जो मैंने देखा है, मुझे नहीं पता कि मैच के बाद सूरत हाल क्या होती है, अभी तक जो मैंने देखा है ना, मुझे यकीन करें मजा आया। जिस तरह से मातम हो रहा है, जिस तरह से मुंह पीट रहे हैं, जिस तरह से विराट कोहली को गालियां पड़ी, जिस तरह से रोहित शर्मा को गालियां पड़ी, जिस तरह से बैटिंग लाइन को राहुल द्रविड़ उनके कोच हैं उनको गालियां पड़ रही हैं, भाई एक मैच के बिना पर आप इस चीज़ का तायुन नहीं कर सकते हैं। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, ये दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में शुमार किए जाते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, बैटर हैं, वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन जिसका दिल चल जाए भाई वो खेल जाए, मज़ा आ जाए। लेकिन खैर, अब आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैच ख़त्म हो गया तो मैच का एनालिसिस भी करेंगे, मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज जो बात करेंगे ना थोड़ी मैच की करेंगे। पाकिस्तान जीते, मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है, मेरे दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर कोई भी इस मैच में जीतता है तो उसकी तारीफ ज़रूर बनती है, और कोई मैच में हारता है तो उसकी खामियों पर से पर्दा हटाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि आपकी ये खामी, चाहे वो भारत के हो चाहे वो पाकिस्तान के। हम पता नहीं इस तरह के मैचेस को जिंदगी और मौत की जंग क्यों बना देते हैं, और फिर उसके बाद इस तरह से मुंह छुपाना पड़ता है, जिस तरह से भी भारत के टीवी चैनल में बैठे जो कार्टून्स हैं ना वो इस तरह से मुंह छुपा रहे हैं। सुनील गावस्कर से बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं होगा ना यार, कल मैं देख रहा था उनका एनालिसिस, उन्होंने कहा पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में नंबर वन टीम की हैसियत से जा रही है और ये पहली बार हो रहा है ICC में, और इस वक्त पाकिस्तान को एज हासिल है, वो तारीफ कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यार सुनील गावस्कर, इमरान खान, ये जो प्लेयर्स हैं इन जैसे प्लेयर शायद दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। खैर जनाब, आप क्या कहेंगे इस बारे में, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।